देखिए दोस्तों, अभी अभी हम प्याज काट रहे हैं अभी, और अभी चावल अभी हम लोग भूनने वाले हैं। कटने के बाद देखिए, ही कट नहीं रहा है सही से। फिर अभी हम लोग चावल भूजेंगे। अभी देखिए, ये प्याज काट रहे हैं अभी, और जैसे ही प्याज कट जाएगा फिर हम मिर्चा भी काटेंगे। अभी और आज हम लोग साग बनाएंगे। साग दोस्तों, देखिए अभी हम प्याज काट रहे हैं धीरे धीरे, और छिलना उधर की छुरी, उधर की छुरी है, ऐसे कटा नहीं किया। अभी देखिए, ये साग भी देखिए काट दिए अभी, और चना डाल के इसको बनाएंगे हम लोग। अभी देखिए, काट दिए साग, और अभी इसमें चना भी डालेंगे। देखिए प्याज काट रहे हैं अभी चावल भूनने के लिए। अभी सही से छुरी चाकू जो है काम नहीं कर रहा है अभी सही से। दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि अभी हम नए नए ब्लॉग बना रहे हैं। अभी उतना बनाने का भी आइडिया है नहीं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये प्याज काट रहे हैं अभी। देखिए प्याज बहुत तेज लग रहा है। तो देखिए बगल में साग भी, देखिए साग भी रखे हैं। देखिए अभी काट दिया अभी। देखिए अभी चावल भूनने के लिए कढ़ाई गर्म करेंगे। देखिए अभी अभी तेल डाल रहे हैं हम, और तेल डाल, और उसके बाद तेल गर्म हुआ था। देखिए ये चावल है, ये अभी इसको भूनना है, अभी भूनेंगे इसको हम। अभी इसमें हम प्याज डालेंगे, मिर्चा डाल रहे हैं। देखिए ये मिर्चा है, और इसे थोड़ा भूनेंगे। उसके बाद दोस्तों इसे प्याज डालेंगे हम। मैं तेज कर रही पूरा हाथ में प्याज ढेर बा, और उसके बाद प्याज डाल दिए हैं, और प्याज भी प्याज भून रहे हैं अभी हम। देखिए प्याज भून रहे हैं अभी दोस्तों। देखिए चावल अब डाल रहे हैं, प्याज पक गया है, और इसमें चावल हम डाल रहे हैं अभी। चावल डाल दिए हैं और अच्छा से इसको मिलाएंगे। इसको अच्छा से मिलाने के बाद इसमें नमक डालेंगे। देखिए नमक चाहिए,
इसमें नमक है ये। अब इसको अच्छे से पकाएंगे थोड़ा देर। कैसे भूल रहे हम लग रहा है चलाते रहेंगे अच्छा से ताकि जले ना नीचे से। पकेगा फिर हम इसको बंद कर देंगे। जैसे देखिए ये चावल जो है बन कर एकदम तैयार हो गया है और पूरी तरह से पक चुका है देखिए। और अब हम लोग इसको खाने की तैयारी करेंगे। ये जो गैस था बंद कर दिए इंडक्शन देखिए पूरी तरह से बन चुका है एकदम पक चुका है। प्याज मिर्चा है धनिया है इसमें जो साग था उबल रहा है इसमें और चना भी है इसमें अभी उबल रहा है अभी। और जब उबल जाएगा तो फिर इसको हम लोग फ्राई कर देंगे। अभी देखिए अभी एक दो सीटी और जगह इसका उबल जाएगा ये। दोस्तों देखिए ये खाना हमारा तैयार हो गया बन करके। और देखिए ये चना का दाल जो साग में बनाए थे और देखिए ये रोटी है ये बन गया है बहुत अच्छा बना है ये। तड़का भी मार दिए हैं इसको।